love story pure 9 months ki कंपनी के भलाई के लिए मैं डीडीएस का सिर्फ भलाई ही चाहता हूं आलिया कम ऑन मैं सिर्फ तुम्हारा एचआर मैनेजर नहीं मैं तुम्हारा क्लासमेट भी हुआ ना बीन हियर फॉर फ्रॉम द बिगिनिंग प्लीज प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज परम रिलैक्स मैं सिर्फ तुम्हारा केबिन चेंज कर रही हूं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रही आप हमसे जुर्माना नहीं लेंगी अगले स्टेशन पर उतरकर जनरल में चले जाना अरे आप अजीब टीटी हैं हमसे गलती हुई है हमसे फाइन तो लीजिए अच्छे आदमी है पजम्मा तुम्हें पता भी है क्या फाइन होता है एसी डब्बे में बिना टिकट लिए सफर करने का अरे ये मैडम मैडम जी भैया भले आदमी कछु लई दई के मामलो सलटा लियो पापा पापा सलटा लेने का मतलब क्या होता है वो छे का पाड़ा याद हुआ अगले स्टेशन तक छे का पाड़ा याद हो जाना चाहिए जब देखो समय बर्बाद करते रहते हैं राजकुमार पे ध्यान दो फालतू की बात मत सुनो फालतू की बात आप कर रहे हैं नहीं बताइए ना सलटा देने का मतलब क्या होता है अरे गुरु बड़े अजीब आदमी हो तुम तो हमारे बजाने में लगे हो बेटा तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि रिश्वत दे के बात खत्म कर दो रिश्वत समझते हो ब्राइब देखिए बेटा रिश्वत का मतलब ये होता है कि किसी को पैसे देकर गलत काम करना ऐसा सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं दुनिया के सारे पापा ऐसा ही करते हैं मतलब मेरे पापा इनके पापा तुम्हारे पापा इनके पापा उनके पापा सबके पापा ये तुम पापा की प्रॉब्लम क्या है ना खुद सही रास्ते पे चलते हैं ना बच्चों को चलने देते हैं और फिर कहते हैं कि दुनिया गड्ढे में जाए बहुत शुरू से शुरुआत होती है बात तो बच्चा पैदा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन में नहीं खड़े होना है रिश्वत दे दी स्कूल में एडमिशन के लिए रिश्वत दे दी और रिश्वत देने वाला भी बाप और लेने वाला भी और फिर शुरू होती है बाप की दादा की बात बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा से शुरू होती है पर खत्म नहीं होती कहे कि फिर सब्जेक्ट कौन सा लेना है बाप तय करेगा कोर्स कौन सा करना है बाप तय करेगा पैंट कौन सा पहनना है बाप तय करेगा सब्जी कौन सी खानी है बाप तय करेगा मतलब बापों का बस चले तो ये भी डिसाइड कर लें कि अरिजीत सिंह का गाना सुनेगा बच्चा की सुनो निगम के पर बात यहाँ खत्म नहीं होगी ये बड़ा होगा इसके साथ तुम्हारी दादागिरी भी बढ़ेगी फिर क्या बेटा रमेश से नहीं महेश से दोस्ती करो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो राइटर नहीं बनो बच्चा लड़ेगा लेकिन बाप नहीं मानेगा बच्चा फिर लड़ेगा लेकिन जिद्दी बाप अपनी जिद पर अड़ा रहेगा फिर क्या बच्चा परेशान हो जाएगा उसका दम घुटेगा घर छोड़कर भाग जाएगा फिर भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा सामने जो गाड़ी दिखेगी उसमें घुस जाएगा फिर टीसी बुझेगा टिकट लेकिन टिकट तो उसके पास है नहीं क्योंकि वो तो विदाउट टिकट टीसी के सामने खड़ा है और इसके जिम्मेदार होंगे आप यानी कि बाप ₹2,000 फाइन जुर्माना लगना चाहिए गलत काम करने का तो सबके पास कोई ना कोई बहाना होता ही है बाप रे बाप कैसा होगा इसका बाप यार तुम्हारे पूजनीय पिताजी फर्श घिसे धरे आंगन का अगर सीधे सीधे चल रहे होते तो काना कसम अभी तक आगरा पहुंचने वाले होते हैं परेशान है जाओ बात करो हम कह के बात करें जाओ ना पेट में दर्द हो रहा है ससुर जी पपीते का चूरन लाऊं वैद्य जी से हमारा पेट ठीक है आप अपना दिमाग ठीक रखो लल्ला ध्यान रखना हा? रखते हैं अम्मा प्रणाम ममता आलू का जरा ब्लैंकेट लाना ना ना ब्लैंकेट मामा बेटा बाहर बारिश हो रही है और फिर आपको ठंड लग जाएगी फ्लोर भी ठंडा है इसमें मेरी आलू वार्म लेगी थैंक यू मामा बेचारी बच्ची पापा के पास टाइम नहीं है और माँ घर और उसे छोड़ के चली गई लगता है बारिश होने वाली है
लगता है बारिश होने वाली है। हो ना, मुंबई की बारिश है, कभी भी शुरू हो जाती है। लगता है मुंबई में पहली बार आया है। हाँ, काम के लिए आया है या घूमने के लिए? गालिब ने कहा है कि जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है मरने के लिए। ए बाबा, मुंबई में क्या मरने के लिए आया है? ये डसल इसकी का है, अपना नहीं तो अपने आई बाबा का तो सोच। चाइला। अरे मेरा क्या नाम है आपका? रमेश माधवराव शिंदे। रमेश भाई ऐसा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अरे ले देखे तो अभी जीना शुरू किया है मैंने, अभी से मनने मानने की बात, अपनी पहचान बनाने आए हैं मुंबई। अच्छा, हीरो बनने आया है? राइटर, दिल से लिखते हैं और लगता है ठीक ठाक ही लिख लेते हैं। और ये रौनक देखे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी आ जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता हमारा यहाँ। तेरे को मालूम है, एक मामूली झाड़ को उगने के लिए 24 घंटा, कभी कभी एक हफ्ता, तो कभी 10 दिन लगता है। लेकिन एक बाम्बू के झाड़ को पूरे 5 साल लगते हैं जमीन से ऊपर आने के लिए। वो ना मस्त में अंदर तैयार होता है, इसीलिए देखना जैसे ही वो बाहर आता है कैसे जर्र से ऊपर पड़ने लगता है। सबसे ऊपर आ, तू भी ऐसा सोच, तू भी इतने साल तैयार हो रहा था, अभी मुंबई आ गया है ना, बन जाएगा पहचान तेरा भी। वाह, इतनी अच्छी और गहरी बात बोली है रमेश भाई आपने, याद रखेंगे इसे कसम से। बुक 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 सब बुक चाहिएगा, शेक्सपियर मिलियन की सब बुक लो ना, आप देखो बुक। अरे ये हमारी फेवरेट किताब है यार। हाँ साहब, सिर्फ 300। गुलजार साहब का सिग्नेचर है इसमें, अरे उनका ऑटोग्राफ है। अरे हाँ साहब, जल्दी लो, सिग्नल खुलने वाला है। ये किताब नहीं, सोना है, सोना। और तुम इसे ऐसे बेच रहे थे, मतलब इसे हम सीने से लगा कर रखते हैं यार। शायद ये साहब आपके नसीब की है, तो 500 निकालो। वाह आला मोटा चाणा, अभी तो 300 बोला था। हा? अरे भाऊ मालूम नहीं था, बुक में ऑटोग्राफ है, वो भी गुलजार साहब का। अरे साहब जल्दी करो, सिग्नल खुलने वाला है। अरे खाली पीली। अरे अरे वो किताब दे, अरे मुझे खरीदनी है। अरे दो इधर, ए हीरो ए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.